વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલ દુર્ગા ડાઇકિંગ કંપની દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે એફલ્યુઅન્ટનો નિકાલ કરવાના મુદ્દે જીપીસીબી દ્વારા તેને ક્લોઝર આપવામાં આવી હતી। વાપી જીઆઈડીસીની દુર્ગા ડાઇકિંગ કંપનીના નિયત માપદંડો કરતાં વધુ માત્રામાં પ્રદૂષણ ફેલાવી બારોબાર એફલ્યુઅન્ટનો નિકાલ કરાતા હોવાની ફરિયાદો ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડને મળી હતી, જેને આધારે જીપીસીબીએ કંપનીમાં જે સેમ્પલો લેતા તેમાં કંપની દ્વારા કરવામાં આવતી બેદરકારી બહાર આવતા દુર્ગા ડાઇકિંગ કંપનીને ક્લોઝર આપવામાં આવી હતી। અમારું નામ મોહમ્મદ અસલમ અલી છે। દુર્ગા ડાઇકિંગ સુદર્શન ડાઇકિંગ जो जीपीसीबी ने क्लोजर दिया है, क्लोजर देने की वजह? क्लोजर साहब, हमारा कंपनी तो काफ़ी दिनों से बंद है और साहब लोग आके भी देखे थे, फिर भी अभी जो भी उन्होंने क्या दिया ज़्यादा अपने को टेक्निकली मालूम नहीं है। उसका रिप्लाई हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो साहब ने दे दिया है और आगे की कार्रवाई चालू है। सर, क्लोजर कितने दिनों के लिए दिया? क्या क्लोजर देने में नोटिस में कुछ ऐसा दिन तो नहीं लिखा हुआ है, छोटा मोटा कुछ लिखा है, वो जो हमारे कंसल्टेंट हैं उन्होंने जवाब दे दिया है, वो रिप्लाई आ करके वो सब मामला ख़त्म हो गया। ऐसे क्लोजर देने की वजह क्या बता रहे? कौन सा केमिकल पकड़ा गया, क्या सीओडी पकड़ा? केमिकल का तो मुझे पता नहीं है, सैंपल उन्होंने लिया था ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सैंपल जो लेने का वो तो मुझे पता नहीं है कहाँ से क्या लिया है। हमारा कंपनी तो बंद था और जो भी है वो उन्होंने वो अपना हमारे जो कंसल्टेंट साहब हैं वो उनको रिप्लाई दे दिया है जीपीसीबी का, आगे का कार्रवाई चालू है। आपकी कंपनी बंद था फिर भी क्लोजर हुआ? हाँ, हमारी कंपनी जिस समय विजिट हुआ था उस समय बंद था सर। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद असलम अली है सर। क्या पोस्ट? हम यहाँ के मैनेजर हैं।